अंतरिम बजट से पहले रेलवे शेयरों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी थी। बजट ऐलान में यात्री सुविधाओं पर फोकस, दूसरे ऐलान और रेलवे का कैपेक्स 2.55 लाख करोड़ रुपए लोगों को थोड़ा निराश कर गया। अंतरिम बजट के बाद शेयरों में थोड़ा दबाव दिखा। पिछले दिनों सभी रेलवे शेयरों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही के इनकम भी अनाउंस कर दिए, जो मोटे तौर पर ठीक ठाक रहे। इस बीच सरकार का एक और बड़ा ऐलान रेलवे शेयरों को पंख लगा सकता है। क्या है ये ऐलान, जाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे लगातार काम करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता से उत्साहित होकर चलाई गई अमृत भारत एक्सप्रेस को जनता का खूब प्यार मिला है। भारतीय रेलवे ने अब और 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी, साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। बता दें, देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया था। इस दिन दो अमृत भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला था। पीएम मोदी ने इन्हें अयोध्या से हरी झंडी दिखाई थी। दरअसल अंतरिम बजट से पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हर साल 300 से 400 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। अब इस बड़ी घोषणा से उस पर मुहर लग गई है। ऐसे में रेलवे से जुड़ी कंपनियों को बूस्ट मिलने की संभावना है। वंदे भारत और अमृत भारत की सफलता पर सवार होकर पिछले कुछ समय से रेलवे की कई कंपनियां शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। इनमें टीटागढ़ रेल सिस्टम, इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, रेल विकास निगम, BEML, रेलटेल, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, IRCTC और राइट्स शामिल है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 6 महीने में 43% से ज्यादा और 1 साल में 111% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल ने 6 महीने में 112% और 1 साल में 333% का रिटर्न दिया है। IRFC की बात करें तो 6 महीने में इसने 230% और 1 साल में 454% का रिटर्न दिया है। रेल विकास निगम ने 6 महीने में 112% और 1 साल में 297% का रिटर्न दिया है। BEML की बात करें तो 6 महीने में 48% से ज्यादा और 1 साल में 118% से ज्यादा इसने अपने निवेशकों को रिटर्न कमा के दिया है। रेलटेल में निवेशकों को 6 महीने में 130% से ज्यादा और 1 साल में 286% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया 6 महीने में 52% से ज्यादा और 1 साल में 64% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। राइट्स की अगर बात करें तो 6 महीने में 58% और 1 साल में 127% का रिटर्न, और IRCTC की अगर बात करें तो 6 महीने में 45% से ज्यादा और 1 साल में 47% से ज्यादा इसने अपने निवेशकों को रिटर्न कमा के दिया है और उनकी झोलियां भर दी है। अमृत भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री कम किराए में बेहतर सफर कर सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इस टेक्नोलॉजी से गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ेगी और जल्दी से रुकेगी। इस वजह से जहां पर भी कोई कर्व या ब्रिज जाता है उस पर काफी टाइम बचेगा। पुश पुल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इस ट्रेन में 2 इंजन है, एक आगे और एक पीछे। आगे वाला इंजन गाड़ी को पुल करने का काम करेगा तो वहीं दूसरा इंजन इसको पुश करेगा। ट्रेन में मौजूद सुविधाओं पर नजर डाले तो CCTV कैमरे से लैस ट्रेन की बोगियां, अत्याधुनिक शौचालय, बोगियों में सेंसर वाले वाटर टैप के साथ गार्ड और मेट्रो की तर्ज पर अनाउंसमेंट सिस्टम के इंतजाम इस नए ट्रेन में है। टॉयलेट के डिजाइन में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर पानी का कम से कम इस्तेमाल हो सके इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए टॉयलेट के स्पेस को बड़ा किया गया है। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, लेकिन इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कम किराया देना पड़ेगा। वहीं अगर सुविधा की बात करें तो इसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए ऊपर वाली सीट पर कुशन कवर लगाया गया है। हर सीट के पास चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे जिनमें लगभग 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बता दें, इस ट्रेन में 8 जनरल कोच होंगे और 14 स्लीपर कोच इसमें होंगे। वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत की ड्राइवर सीट को भी डिजाइन किया गया है। इसमें कवच सिस्टम लगाया गया है। इस वजह से अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो पहले से कवच के जरिए ड्राइवर को पता चल जाएगा। बता दें, इस बार के अंतरिम बजट में सरकार ने रेल यात्री सुविधाओं को बेहतर से लेकर रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड करने तक कई ऐलान किए। सरकार ने करीब 40,000 सामान्य बोगियों को स्टैंडर्ड वंदे भारत बोगियों में बदलने की बात की। साथ ही बजट में 3 नए बड़े रेल कॉरिडोर का ऐलान किया। इसमें पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल होंगे।
इसके अलावा हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी होगा। इसका मकसद गुड्स का फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है। वहीं नए वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रेलवे का कैपेक्स 2.55 लाख करोड़ रुपए फिक्स किया गया। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।